बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं बच्चों आपके लिए। दिस इज द वीडियो ऑन नॉकिंग इन SI एंड CI इंजन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि क्या फिनोमेना है नॉकिंग का SI में और CI में, क्या दोनों फिनोमेना अलग अलग हैं या दोनों सेम फिनोमेना है। तो चलिए आज करते हैं इस पर डिस्कस। तो शुरू करते हैं नॉकिंग। सबसे पहली बात है कि अगर हम बात करते हैं जब SI इंजन की, जब हम बात करते हैं बच्चों SI इंजन की, तो होता क्या है, देखिए होता क्या है। देखिए मैं यहां पे साइड में एक डायग्राम बना देता हूं हल्का सा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है, दिस इज सिलेंडर और ये कोई क्या है बच्चों, ये कोई पिस्टन है सपोज, ठीक है, ये कोई पिस्टन है। अभी मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। अब मैंने कहा यहां पे हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है, SI इंजन की बात कर रहे हैं हम, SI इंजन, ठीक है, SI इंजन, ठीक है, यहां पे हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से जो फ्लेम बनती है बेटा, स्पार्क प्लग, अगर स्पार्क आपका होता है यहां पे, आप जानते हैं अगर स्पार्क प्लग यहां पे स्पार्क होता है तो यहां से जो है जलना शुरू होता है, यहां पे इस तरह से फ्लेम्स आगे बढ़नी शुरू होती है, ठीक है। तो फ्लेम का सबसे फ्रंट जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं फ्लेम फ्रंट, ठीक है। तो यहां से ये चलना शुरू होता है ऐसा करके, और ऐसा करके ये चलता है और पूरा चार्ज को ये खा लेता है, ठीक है। लेकिन बाय द वे ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, क्लियर है, ये थी नॉर्मल कंडीशन। अब बताते हैं कि नॉकिंग की कंडीशन क्या होती है, नॉकिंग की कंडीशन दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको नॉकिंग की कंडीशन। ये आपका स्पार्क प्लग था, ठीक है, और अब देखिए आप यहां से शुरू हुआ स्पार्क, ठीक है, और ये इस तरह से फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ना शुरू किया। सपोज मैं कहता हूं कि क्या हुआ कि अंदर जो है टेम्परेचर भाई कुछ देर जब इंजन चल गया तो सपोज अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। अगर अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे बनने वाले हैं बेटा हॉटस्पॉट्स। कुछ क्या बनने वाले हैं, हॉटस्पॉट, लाइक यहाँ पे बन गया या यहाँ पे बन गया या यहाँ पे बन गया, कहीं पे भी आपके हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। ये क्या है बेटा, दीज आर हॉटस्पॉट्स, क्या है ये हॉटस्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स का मतलब है कि इन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, इनसाइड तो ज्यादा है लेकिन इन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा है टेम्परेचर। तो होता क्या है, क्योंकि चार्ज SI इंजन में मिक्सचर होता है एयर एंड फ्यूल का, ठीक है, तो चार्ज जो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है हॉटस्पॉट पे, इतना हाई टेम्परेचर है कि ये टेम्परेचर जो है जो आपका फ्यूल है उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के अगर बराबर हो जाता है, उस केस में यहां से क्या है एक सेकेंडरी फ्लेम, यहां से सेल्फ इग्निशन होता है, यहां पे होगा सेल्फ इग्निशन, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर वहां पे टेम्परेचर हॉटस्पॉट पे पहुंच चुका है, इसलिए यहां पे सेल्फ इग्निशन होगा और फ्यूल खुद ब खुद जलेगा और यहां से एक फ्लेम निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे, इस फ्लेम को हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लेम। क्या कहते हैं, सेकेंडरी, ध्यान से देखेगा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लेम। ये जो फ्लेम्स आपके आ रही इनको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लेम, क्लियर है, और ये जो स्पार्क प्लग से जो निकल के आ रही है दीज आर प्राइमरी फ्लेम्स। ये प्राइमरी फ्लेम्स आपकी होती है, ये सेकेंडरी फ्लेम है जो हॉटस्पॉट सेल्फ इग्निशन के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही ये दोनों, ये भी आगे बढ़ रहा है यहां से, ठीक है, और ये भी यहां से क्या हो रहा है बच्चों, आगे बढ़ रहा है। अब आगे जब दोनों बढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे से यहां पे टकराएंगे। अगर ये एक दूसरे से टकराते हैं यहां पे, तो बच्चों यहां पे टकराते हैं ये एक दूसरे से यहां पे, इस रीजन में ये टकरा जाते हैं एक दूसरे में, और जब दो फ्लेम्स आपस में टकराती है तो बहुत ज्यादा साउंड और वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा नॉइज एंड वाइब्रेशन होता है जब दो फ्लेम, क्योंकि हाई फ्लेम्स जो होती हैं हमारे पास, जो फ्लेम ये है प्राइमरी सेकेंडरी फ्लेम, फ्लेम्स जो होती है ये बहुत ही हाई प्रेशर वेव्स होती हैं। एक्चुअली में है क्या, ये फ्लेम्स हैं क्या, हाई प्रेशर वेव्स। जब दो हाई प्रेशर वेव्स आपस में टकराएंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, नॉइज होगा और क्या होगा, वाइब्रेशन होगा इंजन के अंदर। इस जो कंडीशन को बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम नॉकिंग, दिस इज कॉल्ड नॉकिंग, क्लियर है, इसको बोलते हैं नॉकिंग। अब क्या है कि अगर बाय द वे
हॉटस्पॉट तो क्रिएट हो गए, ठीक है। अगर बाय द वे सपोज इस केस में नॉकिंग क्यों नहीं हुआ, कि हुआ क्या इस केस में, हॉटस्पॉट इस केस में भी क्रिएट हुए होंगे, डेफिनेटली हॉटस्पॉट तो इस केस में भी क्रिएट हुए होंगे, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो हॉटस्पॉट थे, हॉटस्पॉट में सेल्फ इग्निशन तक पहुंचने में, सेल्फ इग्निशन जब तक होता उससे पहले जो ये प्राइमरी फ्लेम था, जो प्राइमरी फ्लेम आपके आ रही थी, उसने पूरा चार्ज कंज्यूम कर लिया। क्लियर है, प्राइमरी फ्लेम ने बहुत स्पीड से आई प्राइमरी फ्लेम, उसने पूरा चार्ज कंज्यूम कर दिया, मतलब यहाँ पे सेल्फ इग्निशन होने से पहले ही इसने पूरा सेकेंडरी फ्लेम को उत्पन्न होने ही नहीं दिया, पूरा चार्ज उसने कंज्यूम कर दिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जब नॉकिंग होता है तो उस केस में क्या होता है कि जब यहाँ से आ रहे यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेल्फ इग्निशन तक पहुँच जाता है और सेकेंडरी फ्लेम यहाँ से ट्रैवल करनी शुरू हो जाती है। दो प्रेशर वेव्स जब मिलती है या दो फ्लेम्स जब आपस में टकराती हैं तो एक बहुत ज़्यादा साउंड होता है और वाइब्रेशन होता है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो ये कंसेप्ट है बेटा एसआई इंजन में नॉकिंग का। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि एसआई इंजन में नॉकिंग हो कैसे रही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेम आपस में टकरा रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीआई इंजन में नॉकिंग कैसे होगी। भाई एसआई इंजन में तो हमने देख लिया, अब बात आती है सीआई इंजन की। तो सीआई इंजन के लिए हम बताते हैं, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, अब बात आ रही है सीआई इंजन, ठीक है। ये सीआई इंजन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि सीआई इंजन की जब बात होती है बेटा, तो सीआई इंजन में क्या होता है, सीआई इंजन में क्या होता है बच्चों कि जो स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है और यहाँ जो इग्निशन होता है सेल्फ इग्निशन के कारण होता है, क्योंकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ तक आराम से कंप्रेशन से टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसके कारण जैसे डीजल डालते हैं सेल्फ इग्निशन तक पहुंचा रहता है टेम्परेचर, तो सेल्फ इग्निशन से वो इग्नाइट हो जाता है, इस वजह से हम स्पार्क प्लग नहीं लगाते, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर होगा, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर होगा जो क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एयर कंप्रेस हो चुकी है और फ्यूल को इंजेक्ट किया और यहाँ पे फ्यूल जलना शुरू हो गया और मजे से फ्यूल जला आराम से, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरह से फ्यूल जला आराम से, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे फ्यूल पहले जो ड्रॉप्स आई, ठीक है, इंजेक्ट होके यहाँ पे उसने जलना शुरू किया, फिर आती रही, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक ही बार फ्यूल सारा का सारा, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट होता है, तो थोड़ा जलना शुरू किया, जैसे जैसे आ रहा है वो जलता जा रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, ये है नॉर्मल, जैसे यहाँ पे था, ये है नॉर्मल केस, नॉर्मल, ये है नॉकिंग, यहाँ पे भी सेम, ये वाला केस है नॉर्मल का, नॉर्मल, ठीक है। कौन सा केस है, नॉर्मल केस है, जब नॉर्मल कम्बशन आपका हो रहा है, नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल कम्बशन, ये नॉर्मल कम्बशन है, कम्बशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल कम्बशन हो रहा है। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि अब नॉर्मल कम्बशन कब हो रहा है, ठीक है, नॉकिंग कब होती है यहाँ पे। तो चलिए फिर से बनाते हैं यही, पिस्टन बनाया हम, सॉरी सिलेंडर बनाया और हमने बनाया यहाँ पे पिस्टन बनाया, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है बच्चों, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है हमारा लगा हुआ, ठीक है। अब इसने क्या किया, फ्यूल इंजेक्ट करना शुरू किया इसने, ठीक है, यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट करना शुरू किया, करा। अब क्या हुआ, देखो सिलेंडर के अंदर, सपोज मैंने कहा कि सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन के बाद इतना अभी टेम्परेचर नहीं पहुँचा है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाए तुरंत, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्यूल आया वो नहीं जला, ठीक है, फिर फ्यूल आया वो भी नहीं जला, फिर फ्यूल आया वो भी नहीं जला। अब क्या होगा, बहुत सारा यहाँ पे फ्यूल हो गया इकट्ठा, ठीक है बच्चों, बहुत सारा यहाँ पे फ्यूल हो गया इकट्ठा हो गया फ्यूल, ये देखो फ्यूल के पार्टिकल बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, चार्ज यहाँ पे फ्यूल या चार्ज इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब इकट्ठा हो गया और लेकिन अब क्या है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के आसपास से पहुंच चुका है। अब क्या होगा, क्योंकि इकट्ठा हो गया, पहले थोड़ा फ्यूल आया जलना शुरू हुआ, फिर थोड़ा आया वो भी जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले फ्यूल आया नहीं जला, फिर फ्यूल आता रहा और ये फ्यूल हो गया यहाँ पे इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जब फ्यूल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अब ये एकदम से जलता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है और ये एकदम से जलना शुरू कर देता है। जब ये एकदम से जलेगा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सप्लोजन होगा, सीधा फ्यूल बर्न इग्निशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्सप्लोजन। क्या होगा, क्योंकि इतना सारा फ्यूल जो चार्ज इकट्ठा हो रखा है एक साथ जल रहा है, तो इसको ये हो जाएगा एक्सप्लोजन, ठीक है। इसका मतलब है कि सेल्फ इग्निशन में डिले होने के कारण, क्योंकि फ्यूल आया लेकिन वो जला नहीं, मतलब सेल्फ इग्निशन में डिले हो गया और डिले के कारण यहाँ पे फ्यूल बहुत सारा इकट्ठा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, एकदम से जब फ्यूल क्या हुआ, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, सारा फ्यूल एकदम से जला,
ठीक, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, बहुत हाई प्रेशर वेव्स इसमें क्रिएट हुई, जिसके कारण इसको हम कहते हैं बहुत ही हाई प्रेशर वेव्स एंड बहुत ही हाई इसमें बहुत ही नॉइज प्रोड्यूस होता है, जिसके हम कहते हैं नॉकिंग। ये हो गया नॉकिंग, नॉकिंग, ठीक है, अब नॉर्मल कम्बशन, ठीक है, ये हो गया नॉकिंग। नॉकिंग यहां पे इस तरह से सीआई इंजन में नॉकिंग होता है। एसआई इंजन और सीआई इंजन में नॉकिंग के फिनोमेना दोनों डिफरेंट है बेटा, सेम नहीं है फिनोमेना। हाँ, रिजल्ट्स आउटकम्स दोनों के सेम है, लेकिन फिनोमेना दोनों दोनों अलग है, रीजंस दोनों के लिए अलग है, ठीक है। इसमें रीजंस ये है, सीआई इंजन में, एसआई इंजन में रीजन क्या था, अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण हॉटस्पॉट क्रिएट हुए। यहां पे क्या था, अंदर इतना हाई टेम्परेचर नहीं हुआ कि सल्फ इग्नाइट हो जाए तुरंत जैसे फ्यूल आया, लेकिन इसके कारण इकट्ठा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर उतना पहुंचा तो सारा का सारा चार्ज एक साथ बर्न हुआ, एक साथ ही जला, जिसके कारण क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो इसको कहते हैं नॉकिंग इन सीआई इंजन, क्लियर है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सीआई इंजन में अगर नॉकिंग को अवॉइड करना है तो हमें क्या है, बहुत ही क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अंदर हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा अंदर, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर अंदर मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन है तो फ्यूल क्या है, इकट्ठा नहीं होगा यहां पर, क्लियर है, फ्यूल इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में हमें क्या है, इस केस में हमें टेम्परेचर, हमें चाहिए कि टेम्परेचर अंदर कम हो ताकि हॉटस्पॉट क्रिएट ना हो, क्लियर है। तो ये चीजें हैं नॉकिंग। अब थोड़ा कुछ फिगर्स दिखाते हैं आपको, चलिए ये फिगर्स आपका एसआई इंजन का है, दिस इज एसआई इंजन, ठीक है। ये आपका है स्पार्क प्लग आपका लगा हुआ है, यहां पे क्या है, इग्निशन हो रहा है, देखिए ये इग्निशन हुआ और इसकी फ्लेम जो है, फ्लेम को इस तरह से दिखाया गया है जो आगे बढ़ रही है फ्लेम, तो सबसे आगे वाली फ्लेम है, दिस इज फ्लेम फ्रंट, ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां पे जो डेटोनेशन नहीं होगा, हाँ सेल्फ इग्निशन बोलते हैं इसको, सेल्फ इग्निशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन। यहां पे हॉटस्पॉट क्रिएट होने के कारण यहां पे सेल्फ इग्निशन हो गया, जिससे सेकेंडरी फ्लेम आपके आगे बढ़ रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया है, यहां पे इस तरह से, यहां पे क्योंकि दो फ्लेम आपस में टकरा रही है, क्लियर है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये फ्लेम्स जा रही थी इस तरह से, ठीक है, ये फ्लेम जा रही थी, लेकिन यहां से सेकेंडरी फ्लेम आई जो कि आपस में टकराए और जिसके कारण इस तरह से, दिस इज अनवांटेड साउंड, और इसको कहते हैं डेटोनेशन। एसआई इंजन में नॉकिंग को डेटोनेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना कि एसआई इंजन में नॉकिंग के लिए एक स्पेशल टर्म भी आती है जिसको हम डेटोनेशन कहते हैं। बहुत सारी किताबों में दोनों के लिए नॉकिंग टर्म यूज होता है, कुछ बुक्स हैं जहां पे आपको नॉकिंग इन एसआई इंजन, एसआई इंजन में नॉकिंग के लिए डेटोनेशन टर्म यूज किया हुआ मिलेगा, क्लियर है। तो ये तो रहा एसआई इंजन का, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, ये देखिए ये आपकी फ्लेम थी नॉर्मल, नॉर्मल केस में ये आपकी फ्लेम आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब आपका क्या हुआ, सेकेंडरी फ्लेम आई, तो सेकेंडरी फ्लेम ये देखिए, सेकेंडरी फ्लेम आई जिसके कारण क्या हुआ, ये देखिए कर्व आपके पास है, सामने कर्व है, ये पहले नॉर्मल कंडीशन में सिंपल ये इस तरह से जा रहा था और इस तरह से आया, यहां पे आपका क्या हुआ, कंबशन शुरू हुआ, ठीक है, इग्निशन स्पार्क, यहां पे स्पार्क शुरू हुआ आपका, स्पार्क, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्पार्क सेम जगह पे स्पार्क आपका हुआ यहां पे, लेकिन क्योंकि डेटोनेशन के कारण जब आगे बढ़ रही थी फिल्म, तो डेटोनेशन के कारण क्या हुआ, ये देखिए यहां पे ऊपर आकर डायग्राम में देखेंगे आप तो प्रोफाइल सिंपल है इस तरह से, ये नीचे आया, ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि क्या है, जिगजैग यहां पे प्रोफाइल बन रहा है, तो नॉकिंग के कारण बहुत ही क्या है, हाई प्रेशर वेव्स जब आपस में टकराती है तो इस तरह का आपका ये पैटर्न बनता है प्रेशर एंड थीटा डायग्राम पे, क्लियर है। तो ये है नॉकिंग, ध्यान रखना ये कहां बन रहा है, टीडीसी के बाद बन रहा है, क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे नॉकिंग, सीआई इंजन की बात करते हैं, ये है सीआई इंजन। सीआई इंजन में देखिए ये नॉर्मल, ये वाला जो डायग्राम है ये नॉर्मल वाला है, यहां पे क्या है, फ्यूल आया, इग्निशन हुआ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, चार्ज इकट्ठा हुआ जब वो इग्नाइट हुआ, तो इग्नाइट नहीं हुआ बेटा, वो क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया, सीधा एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया, तो धक से जो पिस्टन है एकदम से नीचे आएगा धक से, क्लियर है, हाई एनर्जी के साथ, क्योंकि जो यहाँ पे जब एक्सप्लोजन होता है तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये है नॉकिंग का कंसेप्ट इन सीआई इंजन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका इफेक्ट पड़ता है नॉकिंग इन एसआई एंड सीआई इंजन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम बता रहे थे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे इग्निशन शुरू होता है, जहाँ पे स्पार्क प्लग ऑन होता है, आप स्पार्क प्लग
स्पार्क करता है यहाँ पे, और ये SI इंजन का केस है, ठीक है। और जो हमने ऊपर भी दिखाया आपको, ये आपका क्या है, नॉकिंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे CI इंजन में, तो आप देख सकते हैं कि क्या है CI इंजन में इग्नाइट, ये तो ये था कि भाई प्राइमरी फ्लेम जब आगे चल चुकी है तब सेकेंडरी फ्लेम आके टकराती है, लेकिन इस केस में इग्निशन हुआ ही नहीं तब तक, ठीक है, और एकदम से इग्निशन होता है। तो देखिए स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन ये आपको दिखा रहा है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्ट यहाँ पे फ्यूल किया, लेकिन फ्यूल जलानी यहाँ तक देख सकते हैं, फ्यूल जलानी, लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारा फ्यूल इकट्ठा हो चुका है, अब एकदम से फ्यूल जलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे झिकझिक पैटर्न आप देख सकते हैं, क्लियर। तो ये है कम्बशन, ये TDC से मेजर पार्ट जो होता है TDC से पहले होता है इसका CI इंजन में, लेकिन ऐसा इंजन में जो ये नॉकिंग होती है, ये इसका मेजर पार्ट जो है TDC के बाद होता है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या इसके आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। इस तरह से आपका जो पिस्टन है, इस तरह से लॉन्ग टर्म, अगर आपका लॉन्ग टर्म में नॉकिंग हो रही है, लॉन्ग टर्म इंजन नॉक अगर हो रहा है, इंजन नॉकिंग हो रही है, तो इस तरह के लॉन्ग टर्म में आपको आउटकम्स मिलते हैं। कुछ और इमेजेस आपके लिए लाए हैं, ये देखिए यहाँ से आपका पिस्टन पूरा खराब हो चुका है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा पिस्टन आपका खराब हो चुका है, यहाँ पे देखिए पूरा आपका, बहुत जब हाई CI इंजन में अगर क्या हो, बहुत ज़्यादा चार्ज कट्टा हो गया, तो बहुत ही हाई एनर्जी जब रिलीज हुई एक्सप्लोजन के कारण, तो ये क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड आपकी मुड़ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के आउटकम्स होते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं इंजन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपका ये नॉकिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको फ्यूचर में कभी भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।